which consists of both male and female flower, या male or female reproductive structure, in the same flower, in the same flower, male and or nahi, male and female reproductive structure in the same flower, hai na. जैसे अब मैं डायग्राम की बात करता हूं, है ना, तो यहां पे आ जाइएगा. Bisexual flower, यहां जाइएगा. लीजिए, ये आपका हो गया स्टिलेट फ्लावर. और ये हो गया आपका अस्टामिनेट फ्लावर. अस्टामिनेट फ्लावर और दोनों को मिला दिए, है ना, ये दोनों क्या कहलाया, यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल. ठीक है, अगले टर्म की बात करते हैं, कंप्लीट फ्लावर और परफेक्ट फ्लावर, है ना.
अगर मैं बात करता हूं कंप्लीट फ्लावर की तो चार का चार वर्ल्ड प्रेजेंट होगा, कहने का मतलब कैलिक्स, करोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, चारों के चारों वर्ल्ड प्रेजेंट होंगे तो क्या बोल देंगे? कंप्लीट फ्लावर। और अगर चार में से एक भी वर्ल्ड अब्सेंट हो गया तो इसको बोल देंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। जो कंप्लीट फ्लावर होगा उसको बोल देंगे परफेक्ट फ्लावर, और जो इनकम्प्लीट फ्लावर होगा उसको क्या बोल देंगे? इम्परफेक्ट फ्लावर। बताइएगा कंप्लीट फ्लावर इसमें कौन सा है? ये वाला बाइसेक्सुअल कैसा है? कंप्लीट फ्लावर है, क्योंकि चार के चार वर्ल्ड कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम चारों प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिएगा कैलिक्स प्रेजेंट है, कोरोला प्रेजेंट है, एंडोशियम अब्सेंट है, गाइनोशियम प्रेजेंट है, तो एक अब्सेंट हो गया ना, इसलिए क्या बोल दिया? इनकम्प्लीट। और इसी का दूसरा नाम क्या दे देते हैं? इम्परफेक्ट। अच्छा यहाँ पे देखिएगा गाइनोशियम अब्सेंट हो गया तो इसको भी क्या बोल देंगे? इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट। अगला जाता है कंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर, इफ फ्लावर कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ ऑल फोर वर्ल्ड all four world then it is called as complete flower or perfect flower। परफेक्ट फ्लावर। अच्छा आगे की बात करते हैं, इनकंप्लीट फ्लावर की बात करते हैं। इफ ऑल फोर वर्ल्ड कौन कौन सा? कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, एंड क्या लिखे? अच्छा लीजिए, ठीक है। इफ ऑल फोर वर्ल्ड कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम ऑल फोर वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर आर नॉट प्रेजेंट then it is called as what? Incomplete flower, incomplete flower or imperfect flower। इम्परफेक्ट फ्लावर, ठीक है। एग्जाम्पल यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में है ना, तो चलते हैं पिस्टुलेट में। पिस्टुलेट में क्या अब्सेंट होगा?
है ना, यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर एब्सेंट होगा? कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे एब्सेंट होगा? एंडोशियम, और इधर पे कार्पिलेट फ्लावर में है ना पिस्टिलेट हो गया है ना, अस्टामिनेट, अस्टामिनेट फ्लावर में क्या एब्सेंट होगा? कार्पेल, यहां पे एब्सेंट, यहां पे ये सारा स्ट्रक्चर। स्टामिनेट फ्लावर कहाँ पे? If all world of the flower are not present, ठीक है, चार का चार world present नहीं है, है ना, मतलब कहने का मतलब इसमें से कोई भी absent हो गया, है ना, तो if all four world of the flower are not present, है ना, चार का चार में से कोई भी absent हुआ, है ना, ठीक है, statement है, कोई भी गलत नहीं, आप लिख सकते हैं If any of the world like calyx, corolla, androecium, gynoecium. मेरा मतलब था कि चार का चार world present है तो बोलेंगे complete, नहीं present है तो क्या बोल देंगे? चार में से कोई एक भी absent हो गया तो क्या बोल देंगे? Incomplete. आगे बढ़े, आगे चलते हैं, symmetry of the flower. हाँ अच्छा, थोड़ा सा पॉइंट और है ना, सिमेट्री ऑफ द फ्लावर पे जाने से पहले चार का चार पार्ट का काम देख लेते हैं, है ना, सबसे पहले डाल दीजिएगा, सबसे पहले कैलिक्स, है ना, हेडिंग डाल दीजिएगा कैलिक्स, ऑल द फोर वर्ल्ड ऑफ द फ्लावर, हेडिंग डालिएगा फोर वर्ल्ड ऑफ फ्लावर, फोर वर्ल्ड ऑफ फ्लावर, ऑफ फ्लावर, चार वर्ल्ड है, कौन कौन सा चार वर्ल्ड है, है ना, उस चार वर्ल्ड का काम क्या होता है और क्या कैसे डिवाइड करते हैं इसको देखते हैं। तो सबसे पहले था आपका कैलिक्स, दूसरा था आपका कोरोला, कोरोला है ना, और तीसरा था आपका एंड्रोशियम, एंडोशियम, और चौथा था हमारा कौन सा? गाइनोशियम। अगर मैं चलू कैलिक्स और कोरोला की बात करूं, है ना, तो कैलिक्स और कोरोला का बोला जाता है एक्सेसरी वर्ल्ड, क्यों? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन करना। याद कीजिए, अड़हुल का फूल देखे हैं, चाइना रोज नहीं देखे हैं, सब लोग देखे हैं, रेड कलर का फ्लावर नहीं देखे हैं, चाइना रोज, चाइना रोज नहीं देखे कोई, देखे अब आपके टर्म में मैं क्या बोलता हूं, उस प्लांट का क्या नाम है, आई डोंट नो अबाउट दैट, है ना, उड़हल का फेल फूल, उड़हल बोलते हैं ना, आप लोग कुछ और बोलते हैं, आज जाके टाइप कीजिएगा चाइना रोज कौन सा प्लांट है, है ना, फिर बताइए कि उड़हुल का फूल देखे आप या नहीं देखे, अच्छा देखिएगा, है ना, तो आप देखिएगा इसका, हाँ रोज का एग्जांपल, रोज तो सारे लोग देखे हैं, है ना, जब बर्ड स्टेज रहता है तो बर्ड स्टेज में क्या देखेंगे कि वो पूरी तरह से ग्रीन पार्ट से कवर्ड रहता है, और उसके बाद देखेंगे तो वो कवर्ड रहेगा किस पार्ट से, रेड पार्ट से, और उसके बाद देखेंगे तो उसमें फ्लावर, उसके अंदर स्टामेन और आपको पिस्टिल, ये सारे स्ट्रक्चर देखेंगे। दिखता है स्टामेन और पिस्टिल? सर आज तक देखे ही नहीं,
देखे हैं बीच में, उसके बीच में खूब सारे स्टामिन लगे हुए रहते हैं, है ना, छोटा छोटा सा लगेगा जैसे कुछ पार्टिकल अटैच है। तो इन दोनों का काम है प्रोटेक्शन करना, किसका, एंडोशियम और गाइनोशियम का काम प्रोटेक्शन करना है, किसका, कैलिक्स और कोरोला का काम है एंडोशियम और गाइनोशियम का प्रोटेक्शन करना, और ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सेसरी वॉल्ड, और इसको क्या बोल देते हैं, एसेंशियल वॉल्ड, क्यों, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लिख लीजिएगा एक्सेसरी वॉल्ड, और ये इसको क्या बोल देते हैं, एसेंशियल वॉल्ड, ठीक है। अच्छा अब अगला हेडिंग डाल दीजिएगा कैलिक्स, कैलिक्स ए डबल सी ई डबल एस ओ आर वाई, एक्सेसरी वर्ल्ड और नीचे में एसेंशियल वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा कैलिक्स की बात करते हैं तो फ्लावर के सबसे लोअर नोड पे जो फ्लोरल लीफ रहता है उसका नाम क्या दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं कैलिक्स, है ना। So it appears on the lower node, on the lower node of the flower. Of the flower. कैसे कलर का होता है, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर, काम क्या होता है, काम होता है प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्शन इन बर्ड स्टेज, अच्छा उसके बाद इसका काम और क्या होता है, ग्रीन कलर का है तो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करेगा, फोटोसिंथेसिस, इधर रब कर दूं पूरा, अभी तो 4:30 भी नहीं हुआ है, आप बीच में बोले खाना खाने के लिए भी जाना है, उसके बाद फिर मतलब सारा टाइम मेरा ही बर्बाद करना है, कैलिक्स की बात कर लिए, आगे की बात करते हैं, कोरोला की बात करते हैं। अच्छा एक पॉइंट और छूट गया है ना, क्या छूटा इसमें, कैलिक्स के एक यूनिट को क्या बोल लेते हैं, है ना, और यूनिट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड एज व्हाट, सेपल्स, है ना, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, अ सिंगल यूनिट ऑफ कैलिक्स या अ यूनिट ऑफ ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड एज व्हाट, सेपल्स, सेपल्स। अच्छा अब आ जाते हैं कोरोला पे, आ जाते हैं कोरोला, है ना, कोरोला की बात करते हैं तो सेकेंड लास्ट नोड पे जो फ्लोरल लीफ होता है उसका नाम क्या देते हैं, कोरोला नाम दे देते हैं, है ना, इट अपीयर्स ऑन द सेकेंड लास्ट node of thalamus। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, कैसे कलर का होगा, अच्छा पहले इसके बाद फिर चलते हैं इसमें, इसके एक यूनिट का नाम क्या दे देंगे, और यूनिट ऑफ of corolla is called as petals, petals
अच्छा उसके बाद फिर चलिएगा, इट इज कलरफुल, कलरफुल। अच्छा आगे फिर चलिएगा, इट फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन प्रोटेक्शन, पहला काम है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन इन बर्ड स्टेज। दूसरे काम की बात करते हैं तो अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन। अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, है ना, इसको कोरोला ही पढ़िएगा, कुछ और मत पढ़िएगा, ठीक है। कैलिक्स कोरोला हो गया, आगे की बात करते हैं, आ जाते हैं हम लोग एंड्रोशियम पे। एंड्रोशियम, प्रोटेक्शन एंड्रोशियम की बात करते हैं, एंड्रोशियम की बात करते हैं तो सेकेंड अपर मोस्ट नोड है ना, सेकेंड अपर मोस्ट नोड अपर मोस्ट नोड बियर फ्लोरल लीफ, लीफ कॉल्ड एज व्हाट, एंड्रोशियम। यूनिट ऑफ एंड्रोशियम, यूनिट ऑफ एंड्रोशियम क्या हो जाएगा, स्टामेन, क्या, हाँ फ्लोरल लीफ, वही तो बोला था, लीफ मॉडिफाइड इनटू फ्लोरल स्ट्रक्चर। नोड पे क्या निकलेगा, लीफ निकलेगा, और वही लीफ तो मॉडिफाई हो रहा था किसमें, फ्लावर वाले स्ट्रक्चर में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फ्लोरल लीफ, अस्टामेन, है ना। अस्टामेन की बात करते हैं तो दो पार्ट होगा, ये आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एंथर, और ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोल देते हैं, फिलामेंट, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग किसकी, गाइनोशियम की, गाइनोशियम की बात करते हैं, द अपर मोस्ट, द अपर मोस्ट नोड बियर फ्लोरल लीफ, फ्लोरल लीफ विच इज कॉल्ड एज, कॉल्ड एज गाइनोशियम, गाइनोशियम, यूनिट ऑफ गाइनोशियम कार्पेल, यूनिट ऑफ गाइनोशियम क्या हो जाएगा, कार्पेल,
और इसी का दूसरा नाम पिस्टिल, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पिस्टिल की बात करता हूँ, कार्पेल की बात करता हूँ, तो यहाँ पे अपर मोस्ट नोड पे देखने को मिलेगा, और इसमें तीन स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, क्या क्या, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। कौन कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और ओवरी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? ओवरी के अंदर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, इसी का आप नाम क्या दे देंगे? ओव्यूल। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और दिस वन इज ओवरी, और इसके अंदर क्या है? ओव्यूल। ये बात हो गई फ्लावर के स्ट्रक्चर की। बात करते हैं हम लोग सिमेट्री की, है ना। सिमेट्री कहने का मतलब, अगर मैं किसी प्लेन से फ्लावर को, जल्दी से इसको लिख के खत्म कीजिए, हेडिंग डाल दीजिएगा सिमेट्री ऑफ फ्लावर। देन बड़े आगे देखिएगा, सिमेट्री ऑफ फ्लावर की बात करते हैं तो तीन तरह का सिमेट्री देखने को मिलता है। सबसे पहले असिमेट्रिकल, दूसरा रेडियल सिमेट्री सिमेट्री, और तीसरा होता है आपका बायलेटरल सिमेट्री, है ना। पहला असिमेट्रिकल, जिसको किसी भी प्लेन से आप डिवाइड करने की कोशिश करें तो इक्वल हाफ में नहीं बांट सकते हैं, है ना। ऐसे को क्या बोल देते हैं? असिमेट्रिकल, है ना। असिमेट्रिकल। दूसरा आता है रेडियल सिमेट्री, सब थक के चूर हो चुके हैं, रेडियल सिमेट्री। उसके बाद क्या आ जाएगा? बाइलेटरल सिमेट्री। जो रेडियल सिमेट्री है ना, इसी का दूसरा नाम क्या दिया जाता है? एक्टिनोमॉर्फिक। और जो बायलेटरल सिमेट्री है ना, इसी का दूसरा नाम दिया जाता है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। मैं बात करता हूं असिमेट्रिकल की, है ना। असिमेट्रिक कहने का मतलब क्या होता है? अगर इसको किसी भी प्लेन से आप इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड कर सकते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? असिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। जिसको आप किसी भी प्लेन से डिवाइड करें, है ना, एक सर्कल को मैं ले लूं, इसको किसी भी प्लेन से डिवाइड कीजिए, इक्वल हाफ में डिवाइड कर ले सकते हैं, That is called as what? That is called as what? Radial symmetry. और अगर
अगर मैं बात करूं ह्यूमन की बॉडी की, तो किसी भी प्लेन से बांटिएगा तो इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड होगा, सिर्फ इस प्लेन से बांटिएगा तो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बाइलेटरल सिमेट्री, है ना। सो असिमेट्री कहने का मतलब किसी भी प्लेन से इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा है, रेडियल प्लेन का, रेडियल सिमेट्री कहने का मतलब किसी भी प्लेन से इक्वल हाफ में डिवाइड हो जा रहा है, और बाइलेटरल सिमेट्री कहने का मतलब सिर्फ एक प्लेन से इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है ना। प्लान के टर्म में रेडियल सिमेट्री को ही नाम क्या दिया जाता है, एक्टिनोमॉर्फिक, और बाइलेटरल सिमेट्री को क्या नाम दिया जाता है, जाइगोमॉर्फिक। लिखिएगा असिमेट्रिकल में, इट कांट बी कांट लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इट कांट बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हाफ, फ्रॉम एनी प्लेन then it is called as asymmetry, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं फ्लावर की बात कर रहा हूं, फ्लावर को अगर किसी भी प्लेन से इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो इसको क्या नाम दे देंगे, असिमेट्रिकल फ्लावर, एग्जाम्पल में कैना प्लांट। डन, अगर मैं बात करता हूं किसकी, रेडियल सिमेट्री की, रेडियल सिमेट्री की बात करता हूं, रेडियल सिमेट्री कहने का मतलब क्या है ना, रेडियल सिमेट्री कहने का मतलब अगर फ्लावर को किसी भी प्लेन से इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। लिखिएगा, इफ फ्लावर can be divided into two equal halves, from any plane is called as what, radial symmetry, है ना। एग्जाम्पल में इसमें याद रखना है मस्टर्ड, दतुरा, चिल्ली, ठीक है, मस्टर्ड, दतुरा, चिल्ली। अगर मैं बात कर लेता हूं किसकी, जाइगोमॉर्फिक की, है ना, जाइगोमॉर्फिक की बात कर लेता हूं या बाइलेटरल सिमेट्री की बात कर लेता हूं, है ना, क्या बोल देते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री बोल लीजिए या जाइगोमॉर्फिक बोल लीजिए,
जायगोमॉर्फिक या बायलेटरल सिमेट्री करने का मतलब इफ फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ फ्रॉम सॉरी इफ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ ओनली थ्रू सिंगल प्लेन देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट बायलेटरल सिमेट्री इफ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड into two equal halves only through single plane then it is called as zygomorphic flower. ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं तो एग्जाम्पल में लिख ले सकते हैं पी बीन गुलमोहर अकेसिया. अकेसिया नहीं केसिया है ये, है ना. बाइलेटरल सिमेट्री का एग्जांपल नहीं दिख रहा है. बाइलेटरल सिमेट्री बिल्कुल नहीं दिख रहा है, एग्जांपल नहीं दिख रहा है. अच्छा एग्जांपल बता दे रहा हूँ. पी बिन पी ई ए पी बी ई ए एन बिन गुलमोहर जी यू एल एम ओ एच ए आर एंड लास्ट वन केसिया सी ए डबल एस आई ए. Then, अब फ्लावर के टाइप की बात करते हैं फिर से. ये तो सिमेट्री के बेसिस पे फ्लावर के टाइप हो गए, है ना. नहीं अब चलेगा, नहीं, एक छोटा सा पोर्शन बस, एक और टाइप फ्लावर के खत्म कर लेते हैं. मतलब मुझे टाइम दीजिएगा तो आज मैं 7 बजे तक फ्री हूँ. सर आप तो 5 बजे तक ही बोले थे. नहीं 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 5 बजे 5:45 बस थोड़ा सा इसको कवर अप करके छोड़ देंगे, है ना. आप बच्चों पे रहम है, मतलब बेरहम इंसान नहीं है. मेरे पास भी रेस्ट्रिक्शन रहता है. रेस्ट्रिक्शन ये रहता है कि अगर क्लासेस हमारी कम रहती है तो मैं चीजों को कैसे कवर अप करूंगा. बीच में एक दो दिन गैप भी हो जाता है, कभी कुछ काम